हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम एक और वीडियो लेके आए आप लोगों के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के अपडेट को लेकर। जी हाँ फ्रेंड्स, पुलिस डिपार्टमेंट में एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी रिलीज हुई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पुलिस में 13,000 पदों पर भर्ती है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक बहुत ही बम्पर, बहुत ही बड़ा एक साथ वैकेंसी रिलीज हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें एक साथ 13,000 पदों पर जो है वो भर्ती जारी हुई है। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन से पदों पर कितनी भर्तियाँ जो है जारी हो चुकी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, उप निरीक्षक यानी कि एसआई के लिए जो है 6,000 वैकेंसीज खाली हो चुकी है। और उसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास डिग्री होना चाहिए, डिग्री का जो सर्टिफिकेट, आप डिग्री पास रहनी चाहिए। और फायरमैन का जो पद है उसके लिए 3,000 जो वैकेंसीज खाली है उसके लिए आपके पास 12th पास सर्टिफिकेट रहना चाहिए। जेल वार्डर के लिए जो है 1,250 वैकेंसीज खाली है उसके लिए आपके पास 12वीं पास का सर्टिफिकेट रहना चाहिए। घुड़सवार के लिए भी 1,250 और उसी तरह से मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए भी जो है 1,250 प्लस वैकेंसीज खाली है और उन दोनों के लिए भी आपके पास जो है वो 12वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अब आगे वीडियो में हम इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे, लाइक आप किस तरह से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं, आपकी उम्र कितनी रहनी चाहिए इस वैकेंसीज के अप्लाई करने के लिए, हर एक चीज हम जानेंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो है बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, ताकि अगर पुलिस डिपार्टमेंट में अगर और कोई भी वैकेंसीज आती है या इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन और भी कुछ भी अपडेट या कुछ भी नोटिफिकेशन वैकेंसीज के रिलेटेड आता है या दूसरे गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से नोटिफाई कर पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो के और। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है पुलिस डिपार्टमेंट, हमें मालूम है पुलिस डिपार्टमेंट की जो है वैकेंसीज रिलीज हुई है। अब जो पोस्ट पुलिस डिपार्टमेंट में मीन्स जो वैकेंसीज अवेलेबल है वो ये पोस्ट पे अवेलेबल है। आप देख सकते हैं, SI, सब इंस्पेक्टर, जेल वार्डर, फायरमैन, हॉर्स राइडर और मिनिस्ट्रियल स्टाफ, ये वो पांच पोस्ट है जहाँ जिसमें वैकेंसीज जो है अवेलेबल है। अब टोटल जो वैकेंसीज अवेलेबल है वो 13,000 है, उसमें से जो सब इंस्पेक्टर यानी कि SI की पोस्ट के लिए 6,000 वैकेंसीज रिलीज हुई है, फायरमैन के लिए 3,000 वैकेंसी रिलीज हुई है, जेल वार्डर और हॉर्स राइडर के लिए 2,500 वैकेंसी रिलीज हुई है दोनों को मिला के, और मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए 1,250 प्लस वैकेंसीज जो है वो रिलीज हो चुकी है। अब जो पे स्केल की बात करें, जो वेज की बात करें, तो आपके 21,700 से लेकर 69,100 तक जो है आपका मंथली जो वेज है वो मंथली जो पगार है आपका वो हो सकता है। अब आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए आपको अगर इस कोर्स के लिए, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास डिग्री रहनी चाहिए, आप एक डिग्री होल्डर होनी चाहिए। और अगर आप फायरमैन, जेल वार्डर, हॉर्स राइडर या मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 12 यानी कि प्लस 2 आप पास होनी चाहिए, आपके पास प्लस 2 की डिग्री रहनी चाहिए। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की, तो 18 से 22 साल, 18 से 25 साल और 21 से 28 साल, ये तीन एज लिमिट यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, यानी कि ये एज लिमिट के बीच में ही आप रहनी चाहिए। इससे ज़्यादा, इससे कम रहेंगे तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे तीन अलग अलग एज लिमिट इसलिए दी गई है क्योंकि 5 अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी है, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो एज लिमिट यहाँ पे दी हुई है। अब एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो टोटल 400 रुपये एप्लीकेशन फ़ी आप ई चालान के थ्रू, डेबिट कार्ड के, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू जो है आपका एप्लीकेशन फ़ी आप भर सकते हैं। सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे पहले रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा जिसमें आपके बॉडी का जो है मेजरमेंट, आपकी हाइट, वो सब देखी जाएगी। अप्लाई करने का मोड ऑनलाइन मोड रहेगा आपका, इसका एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में भर के सबमिट करना रहेगा। इसका जो जॉब लोकेशन है वो यूपी में आपका जॉब लगने वाला है, यूपी के स्टेट में इसकी वैकेंसीज जो है वो रिलीज हुई है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है, 2 ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे दे दी गई है। और उसी के साथ जो इसके इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कब से कब तक आप इसका जो एप्लीकेशन है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। जैसे ही इसके रिलेटेड ऑफिशियल कोई भी अपडेट निकालेगा, हम तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए, यहाँ पे देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमने दे दिया, आप यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। मैं इस वेबसाइट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसमें लिंक में क्लिक करके आप जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन या डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब जब आगे आप बढ़ेंगे तो आप आगे देख सकते हैं कि पुलिस में 13,000 पदों के लिए की जाएगी भर्ती। जो भी चीजें मैंने अब तक बताई है ये उसका प्रूफ है, यहाँ पे उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आई थी, जो न्यूज पेपर में भी आया हुआ है, वो मैंने यहाँ पे उसका फोटो कट करके यहाँ पे डाला हुआ था। आप देख सकते हैं कि जो है जो भी न्यूज हमने अब तक देखी उसके ऑफिशियल प्रूफ भी बता दिया गया है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये जो वैकेंसी आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगी और आप जो है इस वैकेंसी के लिए जरूर सेलेक्ट हो जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आपको इस तरह के वीडियो और चाहिए और आपको वैकेंसीज और गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज या कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट की वैकेंसीज के बारे में अपडेट चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। और ये फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।